need to tell you something. I really, 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 really like you. I want you. Do you want me? Do you want me too? I really, 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 really. Hello guys, welcome to the Digimedia News. तो गाइज आज हम बात करेंगे कैप्टन मार्वल मूवी के बारे में। तो इससे रिलेटिव काफी कमाल का अपडेट आया और देन ये अपडेट दिया है केविन फाइगी ने, जो कि मार्वल स्टूडियो के प्रेसिडेंट है और उनका सबसे ज्यादा फोकस है कैप्टन मार्वल मूवी पे, क्योंकि वो फ्रीलांसर को काफी अच्छी तरीके से भी जानते हैं, तो इसलिए उनका सबसे ज्यादा इस मूवी पे फोकस है। अब उन्होंने काफी कमाल के अपडेट दिया है। तो उन्होंने बोला आपने एक इंटरव्यू में कि आपको टर्मिनेटर मूवी तो याद होगी 90s की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पुराने वाली टर्मिनेटर मूवी की, जो कि पार्ट 1, 2, 3। उसका जो VFX था, उसके जो ग्राफिक थे, उसका जो लुक था 90s की साइंस फिक्शन मूवी का लुक लाइक, आपको कैप्टन मार्वल की मूवी वैसी देखने को मिलेगी। आप जब फैंस इस मूवी को देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे, आपको 90s का फील होगा इस मूवी को देख के, क्योंकि हमने कॉस्ट्यूम भी पुराने जमाने के रखे हैं, हमने ग्राफिक भी पुराने जमाने के रखे हैं और देन काफी कुछ सिमिलर, आप एक तरीके से एग्जांपल टर्मिनेटर को ले सकते हो। तो इसलिए आपको कैप्टन मार्वल मूवी 90s की देखने वाली टर्मिनेटर जैसी। जी हाँ, तो उन्होंने केविन फाइगी ने ये बोला कैप्टन मार्वल मूवी के बारे में। तो गाइस आप लोगों के लिए बस सबसे बड़ा ऑप्शन ये है कि अगर आप कभी भी कैप्टन मार्वल मूवी को देखोगे तो आपको 90s का फील होगा, जैसा कि टर्मिनेटर मूवी में हमें देखने को मिला था, जिसमें कि पुराने कॉस्ट्यूम और देन काफी कुछ ग्राफिक्स से रिलेटेड दिखेगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे या तो उस पर बीजन के हाथ मारो या पैर मारो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूँ।